हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुकिंग फैक्ट्री। आज हम बनाएंगे इडली सैंडविचेस। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडली लेंगे। आप ताजा इडली बना के भी बना सकते हैं, पर ये लेफ्ट ओवर इडली से बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा। इडली को हम लेके इस तरह से कट कर लेंगे, सैंडविच की तरह। मैं बाद में आपको एक बार और बताती हूँ। थोड़ा अमूल बटर लेंगे, थोड़ा पिज्ज़ा पास्ता टॉपिंग या फिर सेजवान चटनी, जो भी आप लेना चाहें, टोमेटो केचप या और चिली स्प्रे, चीज स्प्रेड, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा चिली फ्लेक्स और चॉप्ड कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, जैसे चॉप्ड बिल्कुल स्लाइस, पतले पतले स्लाइस टोमेटोज के, बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, थोड़ी कैप्सिकम, थोड़ी पत्ता गोभी, थोड़ा सा चिली सॉस। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले थोड़ा सा गर्म कढ़ाई में बटर लेंगे। बटर के पिघलते ही थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, फिर हम कैबेज डालेंगे और उसके बाद हम कैप्सिकम डालेंगे और लास्ट में हम टोमेटोज ऐड करेंगे। अब इन्हें हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा सिकाई नहीं करनी है इनकी, और कढ़ाई ऐसी हो जिसमें हम लो हाई फ्लेम रखें, उससे इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। बहुत टेस्टी स्नैक है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। अब इसे सौते होने के बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स, चिली सॉस और नमक डालेंगे। ये सौते हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। स्पाइसी खा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लेम हम लो कर देंगे और अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को। इन्हें अच्छे से एक मिक्स करके और गैस से नीचे उतार लेंगे। ये हमारा सॉटे किया हुआ स्टफिंग तैयार है, जो हम इडली के सैंडविचेस में भरेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम ये इडलीज को नाइफ के थ्रू, कोई भी एक अच्छा पॉइंटेड नाइफ, उसके थ्रू हम जैसे बर्गर्स के पंस काटते हैं, बिल्कुल उस तरह से हमें इनको इस तरह से कट करना है और ये दो डाइसेस में प्रिपेयर हो जाएंगे इस तरह से। सबसे पहले इडली को हम पूरा साबुत हाथ में लेंगे, दोनों टुकड़े अलग अलग नहीं लेंगे, हल्का सा ऊपर ऊपर हम बटर लगाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिकाई के लिए, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि जब हम तवे पे लगाएंगे उस वक्त हमें फिर पलटना नहीं पड़ेगा बटर के लिए। इस तरह से करके अब हम इन दोनों स्लाइसेस को प्लेट में डेलिकेटली रखेंगे और बटर नाइफ के थ्रू हम चीज़ स्प्रेड लगाएंगे। आप जितना भी चीज़ खाते हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ खाते हैं बच्चे लोग, तो आप ज़्यादा लगाइए। वैसे बच्चों को वाकई में बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद होता है, और इसी चीज़ के साथ साथ हम एक ही स्लाइस पे भी लगा सकते हैं पिज़्ज़ा पास्ता टॉपिंग या सेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, जैसा पसंद है। स्पाइसी खाएं तो सेजवान चटनी लगाएं। ये देखिए हमारी इडलीज पे चीज़ स्प्रेड और पिज़्ज़ा पास्ता टॉपिंग लग के तैयार है, और उसके बाद हम ये हमारा जो मसाला हमने बनाया है वेजेस का, इससे वेजेस भी बच्चों के खाने में आएंगी और इडलीज बच्चों को बोरिंग नहीं लगेंगी, बहुत अट्रैक्टिव। बस ये ऐसे फिलिंग करना है, बहुत ज़्यादा स्टफ नहीं करना है, नहीं तो आप कैप्स प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे। और इस तरह से इनकी कैप्स को हमें एक के ऊपर ऐसे फिट करना है, कैप करके ऐसे हथेली में हल्का सा प्रेशर देके दबाना है। ये देखिए दबाने से ही होगा, हम सिकाई करेंगे तब अच्छे से इजीली हम इसको सिकाई कर सकेंगे। अब हम गरम तवे पे ये जो हमारी इडली सैंडविचेस हैं इन्हें रख देंगे और दोनों तरफ से पलटे के थ्रू हम इन्हें सेक देंगे और ये बिल्कुल तैयार है। और गरम गरम नाश्ता टिफिन में भी आप पैक करिए, टिफिन में और भी सॉफ्ट हो जाते हैं सैंडविचेस, और बच्चों को बहुत, दोनों तरफ से आपको इनको सेकना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारी इडली दोनों तरफ से इडली सैंडविचेस सिक कर तैयार हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में थोड़े से रॉ सैलेड के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी स्नैक है, आप इसे कोरा भी खा सकते हैं, सॉस के डिप के साथ भी खा सकते हैं।